स्टार्ट करने के पहले हम लोग सुनते हैं कुछ पेशेंट के सेज, कुछ ऐसे वर्जन कि जो आपके भी क्लिनिक में बहुत कॉमन है, जो आपने भी बहुत बार ये सेज सुने होंगे। इन सेज पे से हम लोग समझेंगे आज का रूबिक। और सेज हम पहले सुनते हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट आपको बोल के जाते हैं जैसे, अरे मैडम वो ना मेडिसिन खत्म होने को काफी दिन हो गए पर मेरा आना ही नहीं बन पाया, क्योंकि ना वो क्या है सीजन चल रहा है तो मैं आजकल काफी बिजी रहता हूँ। वो कैसे ना, हम लोग कस्टमर को क्वालिटी जो देते हैं तो कस्टमर हमें छोड़ कर नहीं जाते, दूर दूर से हमारे दुकान का नाम पूछकर कस्टमर आते हैं। ठीक है, अब सेकेंड कुछ इस तरह से है। सेकेंड में एक पर्सन आता है मेरे पास, उसको सर्दी खांसी के लिए दवाई होनी रहती है और वो मुझे कुछ इस तरह से बोलता है, मैडम मुझे खांसी के लिए दवाई दीजिए, मुझे रात को तकलीफ होती है ऐसा वैसा। वो थोड़ा सा जनरल कन्वर्सेशन उसका आगे बढ़ता है और फिर वो मुझे बीच में ही बोलता है अचानक से, इतने दिन से आप मुझे देख रहे हैं, मैं अपनी फैमिली को लेके आपके पास दवाइयों के लिए लेकर आता हूँ, कभी आपको लगा कि मेरे अंदर कोई अहम बना है, मैं बना है कुछ? नहीं ना, तो मुझे कभी भी कोई भी काम करने में कोई भी कमी नहीं लगती, छोटा काम हो या बड़ा काम हो मैं अच्छे से करता, ना लिखा पढ़ा हूँ फिर भी मुझे कोई कमी बना नहीं लगता है पले। ठीक है, एक और पेशेंट आता है, वो कुछ इस तरह से बोलता है, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, बोले ये है वो है घर है अच्छी नौकरी है मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, ये थे कुछ पेशेंट के सेज। आपने ये सेज नहीं सुने होंगे ठीक से तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, फिर से रिवाइंड करिए और इस सेज को अच्छे से सुनिए, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं आज का रूटीन। ठीक है, सो गाइस दिस इज डॉक्टर मीनल जैन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा रूब्रिक, और आज का रूब्रिक है मेरा बोस्टर। आज का रूब्रिक है बोस्टर। सबसे पहले हम सिंपल से लैंग्वेज में पहले देखेंगे हमारे लेमन की लैंग्वेज में बोस्टिंग क्या होता है, और उसके बाद में हम लोग समझेंगे ये जो तीन सेज मैंने आपको बताए उन तीन सेज में हम लोगों ने कैसे उसे ये रूब्रिक को वहाँ समझा और इस रूब्रिक को पकड़ा, और उसके बाद में क्लिनिकली बोस्टिंग कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद मैं कुछ मेरी केसेस आपको शेयर करूंगी आज। ठीक है, पूरी 21 रेमेडीज तो मैं इस रूब्रिक के अंडर 21 रेमेडीज आती है वो कवर अप नहीं कर पाऊंगी इस केस में, बट मैं आपको मेरी तरफ से एक बहुत अच्छे से इसका फील देने की पूरी कोशिश करूंगी। सो गाइस सबसे पहले देखते हैं हम लोग बोस्टर, बोस्टिंग का मीनिंग देखते हैं हम लोग, उसका डिक्शनरी मीनिंग है बढ़ाया मारना या फिर तो शेखी बगाड़ना। ठीक है, ये हो गया उसका हिंदी मीनिंग। अभी इंग्लिश में हम लोग जब इसका मीनिंग देखते हैं तो मीनिंग कुछ इस तरह से है, सोलन या फिर तो इन्फ्लेटेड। ठीक है, अभी बोस्टर के साथ साथ में ही एक और वर्ड डिक्शनरी में मुझे मिला, और हमारे रूब्रिक में भी हम जब हमारी रेपर्टरी ओपन करते हैं तो बोस्टर के आगे एक और वर्ड है ब्रैगर्ड। ठीक है, ये एक और वर्ड है, मे बी द बेस्ट या फॉरमोस्ट, ये उसका मीनिंग होता है। और सिंपल से सबसे पहले हम लोग ये दोनों वर्ड एक ही रूब्रिक के अंडर है बट दोनों का जो फील है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। हम बोस्टिंग का मीनिंग होता है कि जितना है उससे ज्यादा दिखावा करना, उससे ज्यादा बताना ताकि सामने वाले के ऊपर अपना इम्प्रेशन अच्छा पड़े। ठीक है, ये होता है बोस्टिंग। और ब्रैगट में क्या होता है कि यही सब चीज, ब्रैगट थोड़ा अनप्लीजेंट होता है, जब भी व्यक्ति अपनी खुद की बड़ाइयाँ करता है तो उसमें एक गर्व होता है और वो चुभता है, जो भी बोस्टिंग करने वाला पर्सन रहता है वो जब अपने आप के बारे में जब अपने सामने प्रेजेंट करता है तब कभी भी हमें उसकी बात चुभती नहीं है, वो उसके मस्ती में अपने आप के बारे में बोलता रहता है। पर जब ब्रैगर्ड कोई बंदा ब्रैगर्ड करता है
तब वहां पर वो चीज सामने वाले को भी चुभती है, सामने वाले को भी उस बात का बुरा लगता है कि भई ये अपने आप की तो बड़ाइया कर रहा है पर सामने वाले को भी नीचा दिखा रहा है। ठीक है, ये हो गया दोनों का डिफरेंसिएशन। सिंपल सा हम लोग सबसे पहले अब हम लोग हमारे मेन रूब्रिक पर आएंगे। हमारा मेन रूब्रिक है बोस्टर। बोस्टर मतलब क्या? एक सिंपल सी सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए कि आपको कोई चीज मैंने दी है और वो आपको सेल करनी है। ठीक है, आपको कोई चीज सेल करनी है, तब आप क्या करते हो? है आपके पास कुछ जवाब? सिंपल सा सोचिए 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 कि कोई चीज आपको जब सेल करनी होती है तब आप क्या करते हो, तब आप क्या करोगे? सिंपल सा यही सवाल आपने मुझे पूछा तो मेरा जवाब ये रहेगा कि जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है, जो भी चीज है, उसकी जितने भी पॉजिटिव बातें होगी वो सब मैं कस्टमर के सामने वन बाय रखती जाऊंगी, वो भी एग्जैगरेटिंग फॉर्म में, ताकि उस पर इतना अच्छा इंप्रेशन गिरे और उसको तुरंत मैं कन्वेंस कर पाऊँ वो चीज खरीदने के लिए। ठीक है, यही करते हैं ना हम लोग। बस ये ऐसी सिंपल सी सिचुएशन आपको समझनी है। आप जब ये बात समझ जाएंगे कि बोस्टिंग कैसी है, कैसे करते हैं, क्या है मतलब क्या, वो चीज़ इतना प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा फिर भी हमारा प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, उसको दी बेस्ट दिखाने का, ताकि जो सामने वाला है उस पर ऐसा इंप्रेशन गिरे कि वो समझे कि ये चीज़ वाकई कितनी अच्छी है करके। ठीक है, तो ये सिचुएशन का आप समझ लेंगे तो आपको बोस्टिंग समझना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलते हैं हमारे कुछ वर्जन के पास। फर्स्ट वर्जन हमने देखा था कि उसमें वो क्यों लेट आया, वो मेडिसिन लेने क्यों नहीं आया बंदा आपके पास जल्दी, तो वो वहां तक ही खत्म कर सकता था। कहाँ तक कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा भीड़ थी तो बिजी था मैं, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। ठीक है, पर उसके बाद में उसने कुछ सप्लीमेंट्री चीजें आपको उसके बोलने बोलने में वो बोल कर गया। जैसे वो बोलता है कि मैं क्वालिटी देता हूँ इसलिए कस्टमर मुझे छोड़ कर नहीं जाते, लोग दूर दूर से मेरी दुकान का नाम पूछ कर आते। ये मैंने उसको पूछा था, नहीं ना, तो इसकी जरूरत क्या थी बोलने की, फिर भी वो मुझे ये चीजें बोल कर गया ना, तो ये क्या था? उसका बोस्टिंग था, या वो बोस्ट कर रहा था। मतलब क्या कि वो जो कुछ भी है वो एग्जैगरेट करके मेरे सामने प्रेजेंट कर रहा था कि मेरी कितनी दुकान चलती है, मैं कैसा बंदा हूँ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट सेज में से मैंने इस तरह से समझा। अभी दूसरे सेज की तरफ जाते हैं। सेशन चल रहा है, वो कफ कोल्ड के लिए मेरे पास आता है, हमेशा वो पहली बार दवाई लेता है, बाकी हमेशा वो उसके वाइफ और बच्चों को ही लेकर आज तक के मेरे पास आया था। ठीक है, तो अभी सब बोल रहा है सब अच्छा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर मैंने उसको पूछा क्या कि उसको वो कितना लिखा पढ़ा है, क्या है, वो क्या सोचता है, उसको गर्व है नहीं है, फिर भी क्या है ना, वो उसके बारे में मुझे बहुत सारी बातें बोलकर गया। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वैसा ही हुआ। थर्ड केस में भी सेम था। कुछ पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी है, ये है, घर है, ऐसा है वैसा है। अभी आप मुझे एक बात बोलिए, आप एज अ पेशेंट डॉक्टर के पास दिखाने आए ना, ये सब चीजें बोलने की क्या जरूरत है? नहीं ना, कोई जरूरत नहीं है ना, और हम भी क्यों सुन कर लिए, हमारा और उस बातों का कोई भी कंसर्न नहीं है, फिर भी वो हमें बोल कर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कितने आपके पास पेशेंट्स हैं, ऐसे एन नंबर ऑफ सेज है कि जिसमें पेशेंट अननेसेसरी आपको कुछ बातें बता के जाता है। और पोस्टिंग का मीनिंग ही यही है, जब कि पेशेंट जो भी पेशेंट आपको सप्लीमेंट्री बोल के जाता है या जिस चीज की जरूरत नहीं होती है वो आपको बता के जाता है, या ऐसा कुछ कि क्वेश्चन कुछ और है और जवाब कुछ और देता है, वो
ऐसी जब सिचुएशन होती है, ऐसे कुछ बात होती है, तब हम लोग बोस्टिंग ये रूब्रिक पकड़ते हैं। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा है, कैसे समझेंगे हम बोस्टिंग को। अभी हम लोगों के पास रेपर्टरी में कुछ और ऐसे रूब्रिक्स है कि जो हमें कंफ्यूजिंग कर सकते हैं बोस्टिंग के साथ। तो बोस्टर क्या है ना, बोस्टर में पेशेंट ऐसी आपको बात बोलता है कि जो आपने उसे पूछी नहीं है, वो खुद होके आपको बताता है और उसका कोई भी कंसर्न नहीं होता है प्रेजेंट कंडीशन से। ठीक है, मतलब क्या ना, सप्लीमेंट्री बात बोलना। जैसे कि एक कन्वर्सेशन चल रहा था, एक बच्चा था मेरे पास, और वो बोलते बोलते अचानक से, मैंने उसको कुछ पूछा भी नहीं, वही मुझे बोलते बोलते वो खुद होके बता रहा था कि वो मुझे बोलता है, पिछले साल मुझे ना 87% गिरे थे, तब से ना बोले बहुत मेरा वो इतने दिन रात में पढ़ाई किया ना पिछले साल, उस वजह से मेरा सर बहुत दुख रहा है, बोले तब से ही मुझे सर दुखने की शिकायत हो गई। सो गाइस, चलते हैं कुछ केसेस की तरफ, उस पर से हम लोग समझेंगे बोस्टर को। ठीक है, एक केस थी मेरी, उस दिन क्या हुआ ना, उस दिन मैं क्लिनिक से अभी अभी घर पहुंची थी, तो मुझे एक तुरंत कॉल आ गया कि पेशेंट है करके, तो मैं अभी अभी पहुंचने की वजह से थोड़ा सा रुक कर फिर मैं गई। ठीक है, तो पेशेंट वहां पर वेट ही कर रहा था, थोड़ा आधा घंटा हो गया होगा उसको वेट करते हुए। ठीक है, ये केस के पीछे का बैकग्राउंड। उसके बाद एक और बात हुई कि एक और बात है ये केस में, वो जो लेडी मेरे पास आती है तो वो एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती है, उसके घर में 20 से 25 लोग रहते हैं और सब लोग एक ही घर में रहते हैं, इतने सारे लोग। ठीक है, अब चलते हैं केस की ओर। केस कुछ इस तरह से थी, एक 40 इयर्स ओल्ड मेरे पास लेडी आती है, लेफ्ट रीनल कोलिक के कंप्लेंट लेकर मेरे पास। कुछ जनरल कन्वर्सेशन हमारा चलता है, फिर हमारे कुछ कॉमन क्वेश्चंस चलते हैं, तो मैं उसको पूछती हूँ, कॉमन क्वेश्चन चल रहे हैं, वो मुझे बोलती है पेट में बहुत दर्द उठता है मुझे, वो सहन ही नहीं होता है, इतना दर्द उठता है मुझे। मैंने ठीक, कब से क्या है, फिर ये सब चीज़ें मैं उसको पूछती हूँ, वो बोलती है ये खड़ा गिर तो जाएगा। मैंने बोला क्यों, आपको क्या लगता है, तो वो उस पर बोलती है सब लोग बोलते हैं बोले ऑपरेशन करना पड़ता है, मुझे बहुत डर लगता है बोले ऑपरेशन का, आप कुछ भी कीजिए इसको ऑपरेशन करने का नहीं काम पड़े, ऐसा मुझे कुछ दीजिए ताकि गोलियों दवाइयों से ही ये गिर जाए, ये इम्पोर्टेंट उसका से था। उसके बाद में और बहुत सी उसने मुझे बातें बताई, मैं उसका आईपीआर जानने की कोशिश किया मैंने सबसे पहले उसका, कि घर में कौन कौन रहता है क्या है, ये सब चीज़ें मैंने उसको पूछी। फिर उसका उसके हस्बैंड के साथ कैसा रैपर वो देखा, उसके फैमिली के साथ उसकी कैसी बनती वो उसको पूछा, तो फिर मुझे एक बात पता चली कि उसकी और उसके जो जिठानी है उसका दोनों का पटता नहीं। वो बोली कि भैया मुझे पानी में ही देखते, उनका काम इतना साफ सफाई का नहीं है, मुझे तो हर काम साफ सफाई का ही लगता है, वो कैसे ना वो गांव से है, मैं तो थोड़ी शहर की तरफ से हूँ, तो मुझे कैसे हर चीज़ अच्छी साफ सुथरी एक स्टैंडर्ड चाहिए, वो तो क्या है उनको कैसे भी चल जाता है, वो नहीं चलता है। ठीक है, ये एक बात बोलती है। उसके बाद बोलते बोलते धीरे धीरे कन्वर्सेशन चलता है, अब पहले वो ज़्यादा नहीं बोलती रहती है, मैं ही उसको फिर इंसाइट करती हूँ, पूछती रहती हूँ, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो खुद ही सब कुछ बता रही है, अब मैं कुछ नहीं बोल रही, अब मैं चुप हूँ और अब वो सिर्फ वही बोल रही, अब वो क्या बोलती है सुनिए। अभी कैसे पिछले एक महीने से मेरी जिठानी है खेतों में काम करने के लिए निकल जाती है सुबह जल्दी, शाम को ही आती है लौट कर, उसका जो लड़का होता है वो मेरे पास छोड़ कर जाती है। और समझने की एक बात है यहाँ पर, ये जो लेडी है इसको सिर्फ दो लड़कियाँ होती है, उसको लड़का नहीं होता है, पूरे फैमिली में सबको लड़के होते हैं, उसकी जितने भी देवरानी जिठानियाँ होती हैं उनको सबको लड़के होते हैं, और इसी को ही लड़का नहीं रहता है, इसी को सिर्फ दो लड़कियाँ रहती हैं। ठीक है, तब सिचुएशन कैसी है आप देखिए, वो जो बच्चा है वो मेरे जू पर छोड़कर चली जाती है, काम के लिए निकल जाती है, दिन भर मैं मेरी दोनों लड़कियाँ और उसे
मैं ही संभालती हूँ, बोले उसका खाना पीना नहलाना धुलाना उसको सब मैं ही करती। वो बच्चा उसके माँ को अम्मी नहीं बोलता, मुझे अम्मी बोलता है। एक दिन तो क्या हुआ आपको बताओ, उनको 2 दिन के लिए कहीं गांव जाना था तो वो गया नहीं, बोले गाड़ी पर बैठ रहा बैठ जब वो गाड़ी पर बैठा तो मुझे खींच रहा था, महज 4 साल का है, मुझे खींच रहा था और बोल रहा था कि अम्मी तुम चलो, उसके मम्मी को नहीं बोल रहा था और मुझे बोल रहा था कि तुम चलो करके। वो उसका इतनी जान मेरे ऊपर गिर गई है, मेरे बिना रहता ही नहीं, वो इवन नहाता भी नहीं है और किसी के पास रहता भी नहीं है, पूरे दिन बोलता है अम्मी अम्मी अम्मी, मेरे पीछे पड़ता है। हम इतनी जान लगाते हैं बच्चे को तभी तो वो हमें इतनी जान लगाता है। और ये हालांकि उसकी उसकी जो माँ है, मेरी जो जिठानी है, वो तो मेरे से बात भी नहीं करती, फिर भी मैं उसको इतना अच्छे से रखती हूँ, बोले ठीक है। ये सब उसे उसने जो केस है उसमें ये बात मुझे बोली। अभी मुझे एक सिंपल से आपने ये बात सुनने के बाद में आपको क्या लगा? मैंने उसको पूछा, ये बात बोलनी जरूरी थी? नहीं ना, मुझे क्या लेना देना है वो कैसी रह रही है, क्या रह रही है, क्या कर रही है, फिर भी वो कितनी अच्छी है। ये प्रेजेंट करने की कोशिश वो मेरे सामने कर रही थी ना कि एज अ माँ मैं कितनी अच्छी हूँ, ऐसा वैसा, ठीक है मैं कितनी अच्छी हूँ ये मुझे बताने की कोशिश कर रही थी, ये सप्लीमेंट दे रही थी वो मुझे, है ना। तो ये थी मेरी छोटी सी केस। इस केस में ना मैंने सिंपल से 3 रूब्रिक उठाए थे। फर्स्ट रूब्रिक था डाउटफुल रिकवरी अबाउट, एक दूसरा रूब्रिक था कि वो जो मुझे बात बता रही थी, देखिए मैडम उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों कर रही है, उसकी जो जिठानी है उसके साथ इसका क्यों नहीं पट रहा है, क्योंकि उसको साफ सफाई लगती है, वो गांव से है पर ये शहर से होने की वजह से, मैं कैसी रहती हूँ, मेरा एक स्टैंड है, वो मेरे पास प्रेजेंट कर रही थी, तो वो रीजन दे रही थी मेरे सामने। तो वो हाँ ऑब्जेक्टिव रीजनेबल पकड़ा। उसके बाद में थर्ड रूब्रिक मैंने पकड़ा पोस्टिंग, और मेरे ही सामने उसको पेशेंट को बिठा के मैंने उसको टंग पे मेडिसिन दी, देने के बाद में उसको 20 मिनट बाहर बिठाया, उसका जितना भी पेट दर्द कर रहा था उतना पूरा सबसाइड हो गया। और उसके बाद में जब वो 10 डेज के बाद मेरे पास आती है तो उसको पहले रोज पेन किलर्स खानी पड़ती थी, तो अब उसको एक भी 10 दिन के अंदर पेन किलर खाने का काम नहीं पड़ा। ये थे उसके रिजल्ट, ठीक है। तो ये केस में मैंने दिया था पल्सेटिला। एक और केस, मैं एक बहुत छोटी सी केस आपको सुनाती हूँ। एक पेशेंट था मेरे पास, वो आया था, उसको बहुत दिनों से कफ हो रहा था, बहुत ज़्यादा कफ हो रहा था, वो कम ही नहीं हो रहा था। उसने एलोपैथी ले ली, सब कर लिया, फिर भी वो कम ही नहीं हो रहा था, मतलब जितनी पहले इंटेंसिटी थी उससे तो कम हो गया था, पर कंटिन्यूसली उसको खांसी चल ही रही थी, खांसी ही नहीं जा रही थी। उसके लिए वो मेरे पास आया था। अभी आया बैठा और बोलता है मुझे आयुर्वेद का बहुत नॉलेज है। वो कैसे ना, मेरा BMS हुआ हुआ है सेकेंड थर्ड ईयर तक के, एनेटॉमी और फिजियोलॉजी तो मुझे पूरी पता है, पर क्या करते आखिरी में दवाई लेने तो आपके पास ही आना पड़ता है ना, ऐसा वो मुझे बोलता है। वो जब ये बोलता है ना, मैं तो इतना अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाई, पर वो जब बोलता है ना तो अपने ही गाल में एक रख दिए सामने वाले ने, ऐसा ऐसा फील आता है उसको सुनने के बाद में, मतलब तो हम तो ये केस में ना मैंने 2 ही रूब्रिक पकड़े। एक बोस्टिंग का, मैंने उसको पूछा कि उसका एजुकेशन क्या हुआ है, वो उसका एनाटॉमी आती है फिजियोलॉजी आती है नहीं आती है, मैंने पूछा, फिर भी उसने मुझे बताया। और दूसरा ना, वो जब हेल्प मांग रहा है तो कैसे वे से मांगा ना, एकदम कंटेंशियस वे से उसने मुझसे हेल्प मांगी। तो इस केस में मैंने उसको दिया था वराय और उससे उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आए, ठीक है। देखते और एक केस, ये केस थी मेरे पास एक कंपाउंडर की जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करता था। उसे किसी ने ऐसे ही मेरा नाम बताया कि भाई अच्छी दवाइयाँ देते हैं आप इनके पास, उसकी किसी जान पहचान वाले ने बोला और उसे मेरे पास रेफर किया। तो वो आया मेरे पास, तो उसका भी सेम ऐसे ही चल रहा था, एक जनरल टॉक चल रहा था, उसके साइन एंड सिम्टम्स बता रहा था वो। उसकी चीफ कंप्लेंट्स बोलने के बाद में उसने मुझे कुछ इस तरह से दिए, पूरे हॉस्पिटल में मेरे जैसा बंदा आपको कहीं नहीं मिले, आप जब आओगे ना हमारे हॉस्पिटल में तो आपको समझेंगे कि मैं क्या हूँ। मुझे इतना एक्सपीरियंस है, पिछले 15 साल का मुझे OT असिस्टेंट का
एक्सपीरियंस है, मैं बिल्कुल भी हॉस्पिटल में ऐसा जताता नहीं कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है और मैं इतना सीनियर हूँ और मुझे इतना आता है। मैं सबसे बहुत खुले दिल से रहता हूँ, एकदम मिलजुल के रहता हूँ। बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं, बोले अपने अपने को सब अच्छा है, बोले ठीक है। तो यहाँ ये केस में, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक सिंपल सा सही सुनाया, और भी बहुत सारी बातें थी, उसको जोड़ कर मैंने उसको स्ट्रैमोनियम लिया। यहाँ पे भी वो अपने आप के बारे में मुझे बता रहा है, बोस्टिंग कर रहा है। ठीक है, एक पेशेंट होता है, रिसेंटली उसका एक्सीडेंट हुआ है, और वो एक्सीडेंट के वजह से जो लेफ्ट साइड की जो नी है, उसका जो पटेला होता है वो डिसलोकेट हो जाता है। उसका ऑपरेशन वो करवा के लेके आते हैं, और ऑपरेशन के बाद में पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए ये बंदा मेरे पास आता है। ठीक है, अभी पहले जैसी सेम जनरल टॉक चलता है, उसके बाद वो उसके चीफ कंप्लेंट्स मुझे सुनाता है, मुझे पूछता है आपने BHMS कहाँ से किया, ऐसा ऐसा मैंने उसको बताया, एकदम पोलाइटली पूछता है वगैरह। बोले आपको एक बात बोलूँ क्या? मैंने बोला बोलिए। तो मुझे बोलता है, एक XYZ पॉलिटिशियन का नाम लेके मुझे बोलता है। बोले वो जब गृह मंत्री थे आके, तब मैं उनके साथ में 3 दिन रहा। तो एक बंदा था उनके साथ में, वो एक कॉलेज का प्रिंसिपल था, उनका भी उसने नाम बताया, मेंशन किया XYZ, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ यहाँ पर। तो वो उस प्रिंसिपल का मुझे नाम बताता है और बोलता है कि 1982 में उनकी तब बहुत चलती थी, उनकी एक कॉलेज है, उनका MBBS का कॉलेज था, और वो मुझे इतनी ऑफर्स दी, कभी भी कोई भी स्टूडेंट की एडमिशन कराने के लिए आप लेकर आए, आपको लगे जितने आप उससे पैसे लीजिएगा, सिर्फ कॉलेज की जो फीस होती है उतनी हमें दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी एनी टाइम आपके लिए रेडी हूँ। हंसकर मैंने उनको बोला, आप मुझे समझे नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं ऐसे कुछ काम करने की। ठीक है, यहाँ जो सिचुएशन थी, इस सिचुएशन में वो बंदा, मेरा सवाल मतलब बंदा मुझे कुछ बात बताता है, क्या बोलता है वो कि वो इतना बड़ा आदमी है, उसके इतने बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, कि वहाँ का जो गृह मंत्री था, वहाँ के जो प्रिंसिपल्स थे, वो मुझे ऐसे ऑफर किए, पर मैंने वो ऑफर लिए नहीं, ठुकरा दिया। तो इस सिंपल से केस में मैंने उसको रूब्रिक पकड़ा था बोस्टर, और एक फील मुझे आया कि हमेशा मेरा हाथ ऐसा रहेगा, ऐसा वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बंदा था सल्फर का। सल्फर हमेशा उसको लगता है कि मेरे पास इतना है कि मैं सबको दे सकता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं किसी से लेता नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इगोइस्टी, सेल्फ सेंटर, ये होता है सल्फर। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, बोस्टर हो गई, मुझे लगता है आप बोस्टर समझ गए होंगे। ये थी मेरी कुछ छोटी छोटी केसेस, उसमें मैंने क्या दिया वो आपको बताया, होप गाइस आप लोगों को बोस्टर समझ गया होगा। अब बोस्टर में कुछ सब रूब्रिक्स हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट रूब्रिक उसमें है बोस्टर रिच विशेष टू बी कंसिडर एज, ये वाला रूब्रिक है, उसमें सिर्फ 3 रेमेडीज हैं। फर्स्ट है लैकेसिस, लाइको एंड वेरे। तो हम लोग समझते हैं इस रूब्रिक को, बोस्टर तो आप लोगों को समझ गया होगा। सेकेंड वर्ड है इसमें रिच, रिच मतलब क्या? संपन्न, प्रचुर मात्रा में, अनोखा, अनमोल, बहुमूल्य, चमकीला, ये हो गए इसके डिक्शनरी मीनिंग। विशेष मतलब इच्छाएं, टू बी होना, और कंसिडर एज मतलब कि तरह से। पूरे होल रूब्रिक का मीनिंग है कि सामने वाला उसे पैसे वाला समझे, ऐसा वो आपको बोस्टिंग करता है। वो ऐसी कुछ सिचुएशन, ऐसा कोई प्रेजेंटेशन आपके सामने रखता है ताकि आपको ऐसा लगे कि सामने वाला जो बंदा है वो यार कितना पैसे वाला है, कितना उसके पास है। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट रूब्रिक।
सेकेंड रूब्रिक है बोस्टर स्पेंडरिंग थ्रू ऑस्टेंटेशन, मतलब क्या कि वो कोई भी चीज हो, पैसा हो, कोई चीज लेनी हो, उसमें इतना उड़ाएगा इतना उड़ाएगा, कोई भी चीज अननेसेसरी लेगा, अननेसेसरी डिस्प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे बहुत बड़ा व्यक्ति समझे, उसलिए दिखावा करता है वो। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि एक लेडी थी मेरे पास, बहुत सारी अननेसेसरीली शॉपिंग करती थी, बहुत सारी शॉपिंग करती थी, और बाद में लोगों को वो चीज़ें बांट देती थी। तो उसके घर वाले ये सब चीज़ें से बहुत परेशान थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि क्यों इतना ये करते हो? तो वो मुझे बोली कि क्यों, क्योंकि लोग उसे बड़ा समझे। डिफरेंशियल रूब्रिक्स, अभी क्या है ना, बहुत बार इनिशियल डेज में ना, जब भी पेशेंट मुझे ऐसा बोलता है, जब मैं एकदम सिंपल सा सोचती थी तब पेशेंट मुझे ऐसा बोलता था, तब मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है ना। अभी पहला जो हमने पेशेंट का वर्जन देखा था उसमें वो क्या बोल रहा है कि वो क्यों नहीं आ पाया मेरे पास, सिंपल सी बात थी। तब मुझे जब इनिशियल डेज में हम लोगों को ऐसा लगता था कि यार ये तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, वो बता रहे हैं ना कि वो क्यों नहीं आ रहा है, और सही है कि बहुत ज़्यादा उसके पास कस्टमर की गर्दी है, उस वजह से वो दवाई लेने नहीं आ पाया, ठीक है। पर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में बंदा बहुत प्रिसाइज बोलता है, जितनी ज़रूरत रहती है उतना ही बोलता है, वो कोई भी बात को एग्जैगरेट कर आपके सामने प्रेजेंट नहीं करता। ये डिफ्रेंसिएशन है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल और बोस्टिंग में। बोस्टिंग में बंदा आपको एकदम एग्जैगरेट करके बोलता है, खुद की बढ़ाइयाँ मरता है, खुद की स्तुति करता रहता है, और वो वैसे आपके सामने बातें प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये डिफरेंसिएशन हो गया बोस्टर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में। एक और रूब्रिक है डिलीजन वेल ऑफ। आप जब ये रूब्रिक देखेंगे तो ये रूब्रिक में भी आपको कंफ्यूज हो सकता है कि बोस्टिंग और डिल्यूजन वेल्थ को कैसे समझे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं रूब्रिक ले रही हूँ डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, ठीक है। सो गाइस स्टे ट्यून विथ मी फॉर नेक्स्ट वीडियो।